करौली में सिलिकोसिस बीमारी के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले दो दर्जन से भी अधिक लोगों के खिलाफ श्रम विभाग के अधिकारी ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। बता दूं कि इस पूरे मामले में श्रम विभाग में पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता में दलालों की ओर से सेंधमारी की जा रही है। दलालों ने बीमारी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सहायता राशि दिलवाने के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर दिए और इस तरह से संदिग्ध मामला सामने आने पर श्रम विभाग ने सैकड़ों प्रमाण पत्रों को फर्जीवाड़े के संदेह के चलते जांच भी शुरू की है, जिसमें दो दर्जन से भी अधिक प्रमाण पत्रों को मेडिकल विभाग के न्यूमोनोकोसिस बोर्ड ने फर्जी घोषित किया है। फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले 28 संदिग्धों के खिलाफ श्रम विभाग ने मुकदमा भी दर्ज किया है, जिनकी पत्रावली भी पुलिस थाने में सौंपी गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दलालों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है।